रनिंग और कॉमन का पता कैसे करें। तो मान लीजिए आपका वैल्यू हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, आपको ये पता हो जाए कि पता करके आपको बताना है कि इसमें कॉमन कौन है, रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है। तो जब हम लोग इन दोनों का वैल्यू चेक किए, इन दोनों का तो हम लोग का वैल्यू कितना आया, ये दोनों का वैल्यू चेक किए तो पाँच हो पाया। जरूरी नहीं कि पाँचों में आया, लेकिन आपको समझाने के लिए पाँचों भी यहाँ पे आया। और फिर हम लोग चेक किए तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हम लोग का वैल्यू आया, तो मतलब ये ए है और ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। तो ए और बी में वैल्यू कितना आया, तो दो ओम आया। और ए और सी में वैल्यू तीन ओम आया, तो इसमें से कॉमन कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन किस में है, तो बी और सी में सबसे ज़्यादा वैल्यू है पाँच ओम। तो बी और सी को छोड़ के जो बाकी बचेगा वो कॉमन का होगा, मतलब ए आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो गया। अब हम लोग ए से लेंगे, ए से हम लोग सी को चेक करेंगे और ए से बी को चेक करेंगे, जिसमें वैल्यू इन दोनों में से वैल्यू जिसमें ज़्यादा आएगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा आएगा उसमें स्टार्टिंग होगा। तो इन दोनों में वैल्यू कितना आया, तो ये तीन है और ये दो है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग। अब बाकी एक बचा है, जबकि वैल्यू भी इससे कम है, तो ये क्या हो जाएगा, रनिंग। तो ये रनिंग का पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग का पॉइंट हो गया और ये कॉमन का पॉइंट हो गया। तो ये कंप्रेसर का हम लोग जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है जिसमें हम लोग लाइन एसी लाइन को जोड़ते हैं, उसमें इस तरह चेक करके ही आपको जोड़ना है और लाइन को देना है। यदि आप गलत जोड़ते हैं तो कंप्रेसर का जो मोटर है अंदर वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तब इसको एक बार दो बार तीन बार प्रॉपर चेक कर लेने के बाद ही आपको लाइन देना है, लेकिन लाइन डायरेक्टली रूप से नहीं देना है, रिले ओवरलोड लगा के आपको देना है। तो देखिए अभी हम लोग ओवरलोड के बारे में ही बात कर रहे हैं, ओएलपी। ओएलपी क्या होता है, तो ओएलपी हम लोग का ओवरलोड प्रोटेक्टर है, यानी ज़्यादा हीट हो जाएगा कंप्रेसर तो आपको कंप्रेसर को ऑफ करा देगा, मतलब लाइन को कट करा देगा। क्यों, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ रहता है, मतलब लाइन को एक जगह से इन कराए और एक जगह से आउट कराए, मान यहाँ से इन करा रहे हैं और यहाँ से आउट करा रहे हैं। तो जब ये ज़्यादा कंप्रेसर से चिपका हुआ रहता है, जब कंप्रेसर गर्म होगा तो इसका असर इसमें भी पड़ेगा, यानी ये भी गर्म होगा, जिसकी वजह से इधर का लाइन को इधर जाने के लिए ब्रेक कर देगा और कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। तो ये हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है ओएलपी को, और ये सीरीज कनेक्शन में लगा जाता है। अभी दूसरा हम लोग का आता है रिले, पीटीसी रिले, पीटीसी रिले, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले। और हम लोग अभी के समय में पीटीसी रिले का यूज ज्यादा करते हैं। पीटीसी रिले क्या काम करता है, तो ये हम लोग का इस तरह का टर्मिनल का बनाया होता है और इसमें एक में हम लोग लाइन को इन कराते हैं, लाइन को क्या करते हैं, एसी लाइन को इन कराते हैं। इसमें हम लोग न्यूट्रल भी देते हैं, कभी फेस भी देते हैं, है ना। तो अभी हम लोग क्या दिए इसमें, तो इसमें हम लोग लाइव वायर को दिए, और इसका काम क्या है, तो इसका काम यह है कि जो स्टार्टिंग और रनिंग इन दोनों के बीच शॉर्ट मार देना, मतलब क्या है, जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं तो रनिंग में हमेशा करंट जाना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा करंट नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कब, जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो ये काम को करने के लिए रिले का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है कि इधर का एक तार इसमें जुड़ जाता है और इधर का एक तार इसमें, और लाइन को हम लोग रनिंग वाला में जोड़ते हैं, स्टार्टिंग वाला में नहीं, समझ रहे हैं जी, इसमें जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं, क्योंकि हमेशा इसमें लाइन बना रहे हैं। लेकिन जब कंप्रेसर को ऑन करना हो तो ये दोनों आपस में, ये इसको क्या करता है, आपस में सट जाता है, इसकी वजह से यहाँ भी लाइन आ जाता है और कंप्रेसर को ताकत मिलता है और कंप्रेसर का मोटर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से यहाँ तक लाइन जाना बंद कर देता है और ये कंटिन्यू इसी में लाइन देता रहता है। इस काम करके लिए हम लोग रिले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि रिले आपका खराब हो जाएगा तो क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रनिंग में तो हमेशा लाइन जाएगा लेकिन स्टार्टिंग में लाइन नहीं जाएगा,
जिसके वजह से आपको कंप्रेसर स्टार्ट हुआ। अब ओएलपी यदि खराब हो जाएगा तो क्या आपका कंप्रेसर स्टार्ट होगा या फ्रीज स्टार्ट होगा? होगा क्या स्टार्ट? यदि खराब हो गया तो स्टार्ट नहीं होगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन खराब हो जाने के बाद हम लोग लाइन को इन करा रहे हैं और लाइन को आउट करा के इसके कॉमन वायर में नहीं जोड़ेंगे तो इस मोटर को न्यूट्रल और लाइन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, समझ रहे? लेकिन क्या आपको फ्रीज का बल्ब जलेगा? यदि आपका ओवरलोड खराब हो जाए, ये ओवरलोड खराब हो जाए तो फ्रीज का बल्ब जलेगा? फ्रीज का बल्ब जलेगा, क्यों? क्योंकि ओवरलोड से, रिले से या थर्मोस्टेट से बल्ब का कोई असर नहीं पड़ता। बल्ब का वायरिंग क्या करते हैं हम लोग? एक डोर स्विच के जरिए करते हैं। डोर स्विच के जरिए लाइव वायर को पहुंचाते हैं और डायरेक्टली न्यूट्रल को पहुंचाया जाता है। यदि बल्ब सही रहे, बल्ब का होल्डर सही रहे और डोर स्विच सही रहे और लाइन सही रहे तो आपका बल्ब जलेगा। जबकि कंप्रेसर स्टार्ट तभी होगा जब आपका ओवरलोड सही हो, रिले सही हो, थर्मोस्टेट सही हो, थर्मोस्टेट ऑन कंडीशन में हो और कंप्रेसर का वाइंडिंग, जो मोटर का वाइंडिंग सही हो, तभी कंप्यूटर हम लोग का कंप्रेसर स्टार्ट होगा, अदरवाइज कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। बस समझ में आ रहा? तो इस तरह से हम लोग रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन का पता करेंगे और इस तरह से ओएलपी का हम लोग कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन का ड्राइंग आपको पीछे दिखाया गया था, उस हिसाब से आपको ड्राइंग को करना है, कनेक्शन करना है। यदि मान लीजिए कभी कनेक्शन में तार चूहे काट दिया है या तार टूट गया है तो कनेक्शन कैसे करना है, तो जो रूल से बताया गया उस रूल से आपको चेक करके करना है। बाकी ओएलपी को चेक कैसे करते हैं ये बताया गया था, रिले को कैसे चेक करते हैं ये बताया गया था, है ना। हम लोग ओएलपी को चेक कैसे करते हैं, तो मीटर की कंटिन्यूटी मोड पर रखकर, मल्टीमीटर के क्या करेंगे, कंटिन्यूटी मोड पर रखकर इन दोनों सिरे पे, इन दोनों सिरे पे यदि रखने पर बीप का आवाज आए तो ओएलपी सही है, यदि बीप का आवाज नहीं आए तो ओएलपी खराब है। कहने का मतलब है कि यहाँ से लाइन इन कराएं और यहाँ तक आउट नहीं कर रहा है, मतलब लाइन को इन कराने के बाद लाइन आउट नहीं कर रहा तो कंप्रेसर के पास वोल्टेज नहीं जाएगा, जिसके वजह से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। रिले को कैसे चेक करते हैं, तो रिले को चेक करने के लिए भी हम लोग बीप मोड से लेते हैं मल्टीमीटर को और इन दो सिरों पे बीप रखते हैं। यदि बीप का आवाज आता है इसका मतलब रिले सही है और कंटिन्यू ये बीप का आवाज नहीं आएगा। जब हम लोग इसमें लाइन देंगे तो एक झटके के लिए बीप का आवाज आएगा, उसके बाद ये कनेक्शन को काट देता है, जिसकी वजह से कंटिन्यू रनिंग में वोल्टेज जाएगा और स्टार्टिंग में वोल्टेज जाना बंद हो जाएगा और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोनों वायर को यदि कंटिन्यू यहाँ पे वोल्टेज चल जाए तो कंप्रेसर जल सकता है, कंप्रेसर का जो बाइंडिंग है, मोटर का बाइंडिंग है अंदर, वो चल सकता है। तो रिले उस चीज को प्रोटेक्ट करता है, जलने से बचा देगा। रिले प्रोटेक्ट करता है, ओवरलोड प्रोटेक्ट करता है और कौन करता है, थर्मोस्टेट। अभी थर्मोस्टेट क्या प्रोटेक्ट करता है, थर्मोस्टेट क्या प्रोटेक्ट करता है, तो कूलिंग ज्यादा नहीं हो जाए, कूलिंग को कंट्रोल करता है। यानी इतना आप सेट किए उसे ज्यादा कूलिंग होने लगा तो वो लाइन को कट कर देगा, तो ये थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करता है। यदि थर्मोस्टेट को हम लोग निकाल दें, डायरेक्ट जोड़ दे तो कंप्रेसर फ्रीज चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन कूलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, समझ रहे। और यदि ओएलपी को हम लोग निकाल दे तो कंप्रेसर चलेगा या फ्रीज चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन प्रोटेक्ट नहीं करेगा। जो आपको हीटिंग को कंट्रोल करना हो तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से फ्रिज लंबा समय तक कंप्रेसर चलेगा और कंप्रेसर जल जाएगा। और यदि रिले खराब हो जाए या रिले को हम लोग निकाल दे तो कंप्रेसर चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यदि हम लोग शॉर्ट मार्क स्टार्ट कर देते हैं तो चलेगा, शॉर्ट मार्क यदि स्टार्ट कर देते हैं तो चलेगा, लेकिन बार बार ये इस तरह करना क्या संभव है, संभव नहीं है। इसलिए ऑटोमेटिक रूप से ये काम करे इसके लिए हम लोग रिले का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में हम लोग पीटीसी रिले, ओएलपी, थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब और कंप्रेसर के बारे में पढ़े। ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सिंगल डोर
फ्रिज में, फ्रिज में हम लोग ये सब कनेक्शन को करते हैं। अभी एक बात को समझ में आ गया कनेक्शन सारा चीज। चेकिंग के बारे में आपको एलपी चेकिंग, पीटीसी रिले चेकिंग, थर्मोस्टेट चेकिंग, कंप्रेसर का जो कनेक्टर हम लोग का पॉइंट है यानी एसी लाइन जिसको हम लोग कनेक्ट कराता टर्मिनल है उस टर्मिनल को समझ गए। इस तरह से हम लोग इसको चेक करके काम को करेंगे।